तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं डेड ट्रिगर 2। तो गाइस पिछले एपिसोड में हम ऐसी जगह में पहुंच चुके थे जहां पर हर तरह जोम्बी जोम्बी बसे हुए थे। वहां पर एक बॉस भी आ जाता है बड़ा सा, वो भी खतरनाक था। तो देखते हैं आज हम कौन सी मिशन में देखने वाले हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं। रिस्टोर द इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट। तो अब अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं गाइस। ये तो एक हाउस टाइप का लग रहा है। वैसे ये वही जगह है गाइस जहाँ तक आप लोगों को याद है, और आपने ये वो वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि हम भी तो ऐसे ही जगह पे हम पहले भी थे। तो अभी भी हम वैसे ही जगह पे हैं गाइस। चलो पहले इन सब को लेना है। टेक फ्यूल टू पावर जनरेट। तो इनको मारते मारते भी हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहले देखो ये बड़ा सा एक मॉन्स्टर टाइप का आने वाला है, तो मुझे इससे बच के रहना पड़ेगा गाइस। और यहाँ पर ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा ही तादाद पे हैं, तो पहले मैं इन सबको ठोक देता हूँ। बस इसमें ना एक दिक्कत रहती है कि यहाँ पर ना मेरी एमओ बहुत कम रहती है गाइस, बस इसमें ये दिक्कत है। चलो मैं जल्दी से इन सबको मारता हूँ और अपनी एमओ को भी लिया जाए। और देखो गाइस यहाँ पर कोई ने मुझे हमला किया था, पता नहीं वो क्या था, रेड रेड कलर का। देखो अभी भी भूत टाइप का बना हुआ है। अच्छा ये मोटा मुझसे बात करने पड़ा है, तो मैं इसको भी ठोकता हूँ। रुक जा तेरी तो साला। अरे यार शिट गाइस, इसने तो मुझे मार ही दिया है। तो चलो मैं इसको दोबारा से मार लूँगा भी। वैसे तो मैंने बम फेंक के उसे उड़ा ही दिया था, उसने पर मुझे भी डैमेज कर दिया है गाइस। तो चलो मैं यहाँ पर इन सबको ज़ॉम्बीज को वार पे हरा देता हूँ, फिर मैं अपने टेक पावर जनरेट। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी अभी गाइस मेरे ख्याल से इसे फुल पावर देना है। तो मुझे अभी और कुछ फ्यूल ढूंढने पड़ेंगे जिससे मैं जाके यहाँ पर इसकी पावर फुल कर दूँगा गाइस। तो चलो मैं यहाँ पर इसे ढूंढ लेता हूँ, और पहले ज़ॉम्बी पे हेडशॉट तो मारा जाए यार। काफ़ी ज़्यादा तादाद पे ये आ रहे हैं गाइस, और यहाँ पर मेरी हालत भी ख़राब हो रही है क्योंकि यहाँ पर देख लो एमओ बहुत ही काफ़ी ज़्यादा कम है गाइस। तो पहले तो बिल्कुल को मारने दो पहले, तो ये लोग तुम्हारी तो ऐसी तैसी। यहाँ पर बस दिक्कत तो ये है गाइस, इनके बॉस ना आ जाए, नहीं तो वो तो बहुत गंदा मेरी लाइफ चूसता है। चलो इसको तो मैं अपने कट्टे से ही मार देता हूँ। और यहाँ पर आता हूँ, ये मुझे मिल चुका है टैंक फ्यूल का, मैं जाके उसे भर देता हूँ। यहाँ पर तो ये आए, इसको तो मैंने अपने ड्रम से ही उड़ा दिया है, ड्रम पे एक गोली मार के। और ये आए तेरी तो साले, जो आ कहाँ से रहे, इनका रास्ता ही बंद कर देता हूँ अभी गाइस। गाइस अगर आपको इसमें मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दो यार, तो इसकी सीरीज़ को हम और ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा लंबे लंबे मिशंस भी खेलेंगे अगर आपको अच्छी लग रही हो तो, वरना हम इसे डिसकंटिन्यू भी कर देंगे अगर आप लोग चाहते हो तो। तो चलो मैं इसे अभी फुल कर देता हूँ गाइस। अभी थोड़ा सा एक बार और मुझे लाना पड़ेगा, तब शायद से ये फुल हो जाए, फिर देखते क्या होने वाला है। और वो गाइस जिसका डर था वही हुआ है, वो बड़ा सा मॉन्स्टर मेरे पास आने वाला है गाइस। तो चलो इसको भी ठोकना पड़ेगा यार, ये तो मुझे यार से स्पेस वाला लग रहा है, स्पेस में भी ऐसे सूट वूट नहीं पहन के आते गाइस वैसे ही। पर ये मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और मैं इससे तो मारने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इसने एक तमाचे पे ही मेरी 200 समथिंग मेरी लाइफ थी, और उसने एक ही बार में 75 पे ला के फेंक दिया मुझे। देख रहे हो गाइस, इससे मेरे पास एमओ होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जो कि यहाँ पर मिल नहीं रही है। देखना पड़ेगा कि मैं इसे कैसे मारूँगा और पार कैसे होगा गाइस, इसमें तो यही देखना पड़ेगा अभी कि मैंने इसे ठोक दिया है। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ और देख लेते हैं गाइस कि कहाँ से किसको मारना है, कहाँ पर जाऊँ। चलो ये इसको मारते हैं। देखो अभी तो बहुत काफ़ी यार सॉबली सारे हैं साइंटिस्ट, वो कुछ आ रहा था मॉन्स्टर, उसका नाम साइंटिस्ट था क्या यार, मैंने ढंग से पढ़ नहीं पाया हूँ गाइस। आपने पढ़ा है तो मुझे कमेंट करके जल्दी बताइए। अभी तो इनको अपने ये एक वेपन से इनको तोड़ता हूँ, रुक जाओ तुम्हारी तो ऐसी तैसी। वो वेपन की भी गाइस मेरे पास एमओ आ चुकी थी, और इसलिए मैंने उन्हें ठोक दिया गाइस। पर अभी मुझे फिर से वो वेपन को यूज़ करना पड़ेगा, ये पाना टाइप का है, इससे ही मुझे इसकी खोपड़ी तोड़नी पड़ेगी। पर इसने तो मेरी लाइफ पी देता है ये, तो मेरे पास जितनी भी एमओ सब ठोक देता हूँ, पर अब इससे लड़ने का कोई मतलब नहीं होगा गाइस, क्योंकि अगर मैंने इससे फाइट करी तो ये तो मुझे मार ही देगा जैसा कि मेरा सोचना था। पर यहाँ से रिवाइव का भी ऑप्शन आ रहा है, तो हम रिवाइव कर लेते हैं और अपनी हेल्थ हेल्थ बढ़ा लेते हैं। तो चलो मैं आगे जाता हूँ अब यहाँ से, और देखना ये है कि इन पार कब होगा ये मिशन, और इस पर ये फुल क्यों नहीं हो रही है वो पावर सप्लाई वाली। तो मैंने फ्यूल को पिक कर लिया है,
और मैं वहीं पर जाता हूँ वो ट्रांसफार्मर के पास और वहाँ पर से पावर सप्लाई देते हैं और फिर चलते हैं वहाँ जनरेटर के पास जाते हैं। ट्रांसफार्मर बोल रहा था, सॉरी गाइस, यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही ज़ॉम्बी आ चुके हैं और यहाँ पर लाखों की तादाद के ज़ॉम्बी तो नहीं है पर ये उनकी टक्कर ले रहे हैं यार, पर काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बी आ चुके थे। मैं तो अभी बाल बाल ही बचा हूँ, नहीं तो इन लोग तो मुझे अभी खच्चा ही निकल लेते। अभी इसको भी मार दे तेरी तो सवाल, इनको तो जला देना चाहिए जिंदा। अब फायर वाली गन है कि नहीं मेरे पास, पर ये होती रहा तो कुछ ज़्यादा अच्छा होता है, तो इनको मैं आग से जला ही देता। ये बम से मैंने उड़ा दिया है उसको। अब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ गाइस जनरेटर के पास, पर अभी भी ये फुल पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, कितने इस पर और फूल लगेंगे। उसकी तो टांग ही टांग में मारा हूँ तो लंगड़ा हो गया है, इसको भी मैंने मार दिया है गाइस। ले तेरी तो फायर क्यों नहीं हो रहा, ये इसकी टांग में तोड़ी है, पर तो भी लोग चलते हैं यार, पता नहीं है इनकी टांगे काई की बनी है कि एक गोली खाते भी अगर इंसान को पड़ जाए वो गोली तो उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाए, वो तो चलने लायक ना बचे। पर इनको ऐसा पता नहीं क्या है, थोड़ा सा लंगड़ाएंगे फिर वो सही हो जाते हैं। ये पावर सही है इसकी, मैंने और फ्यूल को पिक कर लिया है। अब मैं जल्दी जाता हूँ वहाँ पर, उस जनरेटर में फ्यूल भरता हूँ और फिर आगे देखते क्या होता है, क्या वो अभी भी फुल हो जाएगा कि अभी उस पर और भी फ्यूल पड़ेगा। तो चलो देखते हैं आगे। तो यहाँ पर मैं पहुँचूँ गाइस, बस थोड़ा सा ही और एक या दो बार का बस काम है, फिर तो अपना काम हो जाएगा। तो इन्हें बिना डिस्टर्ब करे बिना ही हम जाते हैं, क्योंकि हमने अपने बम वगैरह भी फेंक दिए हैं और वो हुआ भी नहीं है अभी। इतने सारे आ रहे हैं, इसका रास्ता ही बंद करता हूँ तुम जब तुम्हारी, तो यहाँ पर इसको मारते चल दूँ। देखा आधा काम तो गाइस हमारा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जहाँ से ज़ॉम्बीज बहुत ज़्यादा की कदार पर आते हैं तो मैंने वो रास्ता ही बंद करके रख दिया है। तो चलो मैं आगे जाता हूँ और यहाँ से बस हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है गाइस फाइनली। चलो मैं वी आर बैक टू, तो मैं जहाँ से आते साथ मुझे वहीं पर जाना है। ये देख रहे हो इतने सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं गाइस, तुमने मेरा रास्ता ही रोक दिया है। कहाँ से आया था, कहाँ जाऊँगा, मुझको भी रास्ता पता नहीं है, मंजिल का पता नहीं है। पर हम बढ़ते ही जा रहे हैं अपने आगे और मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। ये बटन खुलेगी क्या? नहीं यार, ये ओपन नहीं हो रही गाइस। अभी ये ऑब्जेक्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैं ये गेट खोल के अंदर बैठ चुका हूँ। वर्क लाइक चार में नाउ लुक सम वाटर, तो मुझे शायद से कुछ पानी वगैरह ढूंढना पड़ेगा। अब देखना है ये वाटर कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पर मिल जाएगा क्या? तो यहाँ पर ये सर्चिंग चल रही है और ये ज़ॉम्बी बड़ा सा आ रहा है और ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ये मुझे दबा के मारे, इससे पहले मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि इनसे लड़ना हमारे बस की बात नहीं है यार, और इतनी एमओ भी नहीं है मेरे पास। ओ भाई, दो मिलके एक को मार रहे हैं, ये तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। ये तीन मिलके मारे पड़े हैं यार, इनसे लड़ना कहीं हमारी औकात नहीं है इनसे लड़ने की बिना एमओ के। अगर हमारे पास पूरी फुल एमओ होती अनलिमिटेड तब तो इनकी खैर नहीं थी, और ये मैं जो पीछे से दिया भगा भग पर तो भी ये बन नहीं रहा और एक शॉट पे ही हमें सुला देगा। तो अब मुझे निकलना पड़ेगा गाइस। देख रहे हो मैंने तुम्हारे भाई ने इतनी कोशिश करी इसे मारने की, पर ये वेपन से मैं उसे कभी भी नहीं मार पाऊँगा, ये तो मैंने जान लिया है। और मैंने अपनी लाइफ पढ़ के आगे की तरफ पहुँच रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर गेट बैक इन द हाइड आउट, तो मैं यहाँ छुप सकता हूँ क्या? तो गाइस फाइनली हमारा यहाँ पर मिशन कम्प्लीट हो जाता है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे पार किया गाइस, तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ठोक दीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। और मिलते हैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय गाइज़।